इफ आई एम मार्च बॉर्न आई एम अ पाइसिस, और अगर आप 20 अप्रैल से मई 20 के बीच में पैदा हुए हैं सो यू आर अ टॉरस। ऐसे ही अगर आप 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में बॉर्न हुए हैं देन यू आर अ स्कॉर्पियो। इसका बेस क्या है आपके? दुनिया ऐसा लगने लगा है कि प्रिडिक्शंस के बेसिस पे चल रही है। थोड़ा पीछे चलते हैं, इफ आई टॉक अबाउट 2012, बात है 21 दिसंबर 2012 की। ऐसा बोला जा रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है। तो ऐसे कई सारे प्रिडिक्शंस रोज हमारी लाइफ में आते रहते हैं। एंड टू नो द बेस एंड आउट ऑफ आवर क्यूरियोसिटी वी लैंडेड अप विद टुडेज एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद सुप्रिया। एंड टुडे इन आवर एपिसोड वी हैव द फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अश्विनी शर्मा। सो जॉइन अस टुडे। सर वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो जैसे ही मुझे पता चला कि आप हमारे शो पे आ रहे हैं एंड यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, यस राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया वो यही था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं आया, जीरो, राइट। क्या मैं बन सकती हूँ फिर भी एस्ट्रोलॉजर? देखिए, कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, और एस्ट्रोलॉजर बनने के साइन भी हमारी कुंडली में ही होते हैं। अगर कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन हमें दिखाए गए हैं, जैसे शुक्र जो वेदों को नॉलेज देने वाला होता है, जुपिटर जो एक स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मैंने जो एनालिसिस किया है कि चंद्रमा हमारा मन है, हमारी इमोशंस है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, उसका मन स्थिर है, उसमें पेशेंस लेवल है, तो वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है और नहीं भी है तो उसके उपाय करके, अपने आप पे वर्क करके, फर्स्ट हमें अपने ऊपर वर्क करना जरूरी है। अगर हमारे ही मन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चलते रहेंगे तो हम लोगों को गाइडेंस किस तरह से दे पाएंगे। इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए मेरा ये मानना है कि अगर इस तरह की चीज़ें आप पूरी करते हैं, उन पर वर्क करते हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजर डेफिनेटली बन सकते हैं। कोई एज कि इस एज में बनना चाहिए, इस एज में नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। किसी भी नॉलेज के लिए, दुनिया की किसी भी नॉलेज के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। जब कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, तो इस तरह से आप जब चाहें तभी आप स्टडी करके, कुछ बुक्स पढ़ के, अपनी पर्सनल रीडिंग्स करके, और जितनी ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिकल नॉलेज में लेंगे, जितना ज़्यादा हॉरोस्कोप एनालिसिस करेंगे, तो आपको नई नई चीज़ें डेली सीखने को मिलेंगी, और आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, बन सकते हैं। या कई लोग हैं जो एज ए हॉबी या अपने घर वालों की कुंडली या खुद की सेल्फ स्टडी के लिए भी देखते हैं। मेरे पास भी कई स्टूडेंट्स आते हैं जो सीखते हैं। जरूरी नहीं है आप प्रोफेशन बनाएं, बट आप प्रैक्टिस के लिए, एक हॉबी के लिए भी सीख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर बुक अगर आप सजेस्ट करना चाहें कि हाँ दिस इज अ ग्रेट बुक आपको हेल्प कर सकती है? देखिए, इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में, वैसे तो आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री कोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं। बट एक बुक भी बहुत अच्छा साधन होता है, सबसे बेसिक होता है, तो भारतीय ज्योतिष एक है, रेडी रेकनेकर एक बुक है, उसके अलावा भृगु संहिता है, फलित ज्योतिष है, इस तरह की काफ़ी सारी तमाम बुक्स हैं जिनसे आप अलग अलग से सीख के आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी में 2 पार्ट्स होते हैं, गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष। तो गणित ज्योतिष वर्तमान समय में सॉफ्टवेयर की वजह से लगभग सीखना चाहिए, हम लोगों ने सीखा है, काफ़ी मेहनत की है, बट वर्तमान समय में गणित ज्योतिष लोग नहीं सीखते हैं। रीज़न ये है कि आप सॉफ्टवेयर में डिटेल्स डालेंगे लाइक डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, तो आपका चार्ट बन के सामने आ जाएगा और आप डायरेक्ट फलित कर सकते हैं। तो फलित एस्ट्रोलॉजी आप इजीली सीख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी विद टेक्नोलॉजी, स्मार्ट दुनिया बन रही है, तो एस्ट्रोलॉजी भी स्मार्ट हो ही रही है, डेफिनेटली। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री की, तो जो हमारे वेदास हैं, हम उन्हीं को ही फाउंटेन सोर्स समझते हैं हर चीज का, तो ऐसा क्यों हुआ? जैसे वराहमिहिर जो है, ऋषि वराहमिहिर जो थे, वो माने जाते हैं एज द फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इफ आई एम करेक्ट, राइट? तो क्यों आपको ऐसा क्यों लगा कि जरूरत पड़ी लोगों को कि हमको इसके बारे में भी जानना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी के बारे में? देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या है सबसे पहले ये समझते हैं, ये वेदों का नेत्र कहा गया है। अब नेत्र का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना। तो एस्ट्रोलॉजी जिस तरह से लोग कहते हैं कि एक प्रिडिक्शन है, कुछ भी प्रिडिक्ट कर देते हैं कि कल को ऐसा होगा, इन फ्यूचर में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी या ऐसा, इस तरह की एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं है। इसे एक बहुत ही बेसिक सा हमें समझना चाहिए कि 9 प्लैनेट्स का हमारे शरीर पे, हमारे मन पे, हमारे सोच विचार पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है,
जिसे ऋषियों ने बताया है, हमारे जो रिलेशंस होते हैं, जैसे सूर्य को पिता का, चंद्रमा को माता से, शुक्र को हमारी वाइफ से और मंगल को ब्रदर से, इस तरह से हमें इनको समझाने का एक तरीका बताया है, एक जीवन की शैली बताई है कि अगर आप प्लैनेट्स को इस तरह से लेंगे तो प्लैनेट्स की जो रेमेडीज है, अगर आप देखेंगे, अगर आप चंद्रमा सही करना चाहते हैं तो अपनी माता से आप अच्छा बिहेवियर करिए, शुक्र यदि अच्छा चाहते हैं, शुक्र की एक रेमेडी है, जैसे आजकल जो वर्ल्ड है लग्जरी वर्ल्ड है, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, हर कोई शुक्र को अच्छा करना चाहता है, लेकिन शुक्र किसी भी पूजा से या शुक्र किसी स्टोन को पहनने से सही नहीं हो सकता। इसका बेसिक ये है कि आप अपनी वाइफ का रेस्पेक्ट करें, आप जो गर्ल्स हैं उनका रेस्पेक्ट करें, उन्हें एक अच्छी तरह से ट्रीट करें, तभी आपका शुक्र अच्छा होगा, बेसिक ये है। और कोई और यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तो इससे एक व्यक्ति डिसिप्लिन लाइफ जीता है एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज से। और ऋषि मुनि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, उन्होंने इस तरह की चीज़ें बताई जिससे एक बैलेंस बना रहे हमारी लाइफ में। अगर नो ही प्लैनेट्स की कोई रेमेडी करता है जो इसे समझता है, तो वो न तो अपनी मदर को, न अपने फादर को, न भाई को, न अपनी बीवी को कोई परेशानी देगा। तो इसलिए इस तरह से ये हमारे बेसिक लाइफ में बहुत यूजफुल है। मतलब वही बात देखिए, वही आकर फाइनली लैंड हो रही है कि बेसिक मॉरल वैल्यूज, मॉरल संस्कार, बिल्कुल डेफिनेटली हमारे भारत में तो सबसे पहले ही इन्हीं को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और इनकी इम्पोर्टेंस कम भी हो रही है, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, और मे बी शायद सोशल मीडिया के थ्रू लोग ये समझे इस चीज़ को कि वैल्यूज सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी, मतलब पहली बार मैंने ये वाली चीज़ सुनी और ये जानी आपके थ्रू कि एस्ट्रोलॉजी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर वैल्यूज होती है। बिल्कुल, है ना, कि हमको किस तरह से किसे बिहेव करना चाहिए अपनी लाइफ। बिल्कुल, सो दैट इज एक्सीलेंट। अब अगर हम बात करते हैं अपने कर्म की और अपने ज्ञान की, यस, है ना, कर्म के पंख होते हैं हमारे, एक पंख हम मानते हैं कि हमारा कर्म का होता है, एक पंख होता है हमारा जो हमारा ज्ञान होता है। तो प्रिडिक्शंस होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम पे हम पैदा होते हैं, उस पर बेस्ड हमारी पूरी कुंडली बनती है, उसी पर सारी प्रिडिक्शन चलती है। तो क्या हम अपने कर्म पंख से और अपने ज्ञान पंख से क्या हम उस प्रिडिक्शन को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखिए, कर्म और भाग्य दो चीज़ें बताई गई है, जैसे गीता में भी कहा गया है कि कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्म, देखिए जिस तरह से आपने कर्म की बात कही कि कर्म से हम क्या हमारा लिखा हुआ बदल सकते हैं, फर्स्ट थिंग तो मैं आपको कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी में जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं हम लोग बताते हैं, कभी भी कोई परेशानी व्यक्ति की कुंडली में लिखी गई है या व्यक्ति के कोई परेशानी आ रही है तो उसका कभी पूरी तरह से खात्मा नहीं होता। जैसे आप देखेंगे कि कई लोग हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं बीमारी लेकर, बीमारियों में भी कई चीज़ें हैं, जैसे डायबिटीज़ है, लाइफ टाइम चलती रहती है, उसके प्रिकॉशन रख के हम उसे कम स्टेबल कर सकते हैं कि लिमिट में वो रहे। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में जो मैंने देखा है आज तक मोर देन 5000 कुंडली एनालिसिस के बाद, मैंने ये पाया है कि परेशानी कभी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन परेशानी, मान लीजिए आपको हेल्थ इशू है, तो आपने वेल्थ इतनी क्रिएट कर ली कुछ उपायों से, कुछ अपने माइंड को स्थिर रखकर, कि आप उसका इलाज करा सकते हैं बीमारी का अच्छे हॉस्पिटल में। अगर आपको फाइनेंशियल इशू है तो आपको हेल्थ इशू नहीं है, मेंटली आप स्टेबल हैं, तो उस इशू को आप, वो पीरियड है उसको निकाल लेंगे। हमारा भी अधिकतर यही होता है, मैं आपके थ्रू दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि हम लोग जब एक एनालिसिस करते हैं कुंडली का, कोई परेशानी होती है तो आपका एक टाइम निकल जाता है। कई लोग आते हैं, जैसे कोटा है हमारा एजुकेशन सिटी है, यहाँ पे कई बच्चे भी आए हैं जिन्होंने कहा है कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो एक बात करके उनकी काउंसलिंग से वो पीरियड जो ख़राब होता है वो जब निकल जाता है तो उसके बाद वो थोड़े सामान्य होते हैं। जिस तरह से हम देखेंगे कि हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में कहीं भी किसी की डेथ हुई है, तो पहले दिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शोक मनाया, हम रोए, परेशान हुए, लेकिन ये रियलिटी है लाइफ की कि 12th डे को बारवा करते हैं, जिस तरह से हमारी संस्कृति में, और सब लोग खाते हैं पीते हैं और उसी तरह से लाइफ रूटीन में आ जाती है, 10-12 दिन इसीलिए बनाए गए हैं। वैसे ही कोई परेशानी है वो आज जितना इम्पैक्ट डाल रही है, जितनी प्रॉब्लमेटिक आज आपको फील हो रही है, अगर आप उस टाइम निकालना आपको आ जाएगा, पेशेंस रहेगा, तो वो कल को उतनी ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगी। इसलिए आप एस्ट्रोलॉजी से, मन से मजबूत होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज़ करते हैं तो आप इतने इंडिपेंडेंट फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आप प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, चैलेंजेस को फेस करने की ताकत आप में आ जाती है। इफ यू गो विथ एस्ट्रोलॉजी, यस। प्रेडिक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, ट्रेन एक्सीडेंट्स, ब्रिज कोलैप्स हो गया, आग लग गई, बहुत सारी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस हैं,
इस फील्ड में या इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कहाँ तक सक्सेसफुल है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि फर्स्ट तो उसका एनालिसिस सही होना चाहिए। जैसे हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स को हम भगवान मानते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी किडनी निकाल लेते हैं, उसको सेल कर देते हैं। काफ़ी फ्रॉड्स हम देखते हैं डॉक्टर्स के भी, लेकिन डॉक्टर भगवान भी है, नो डाउट उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा गाइडेंस देते हैं आपको, अच्छा टाइम बताते हैं, अच्छी रेमेडीज़ बताते हैं, और कुछ एस्ट्रोलॉजर आपके साथ आजकल फ्रॉड भी काफ़ी करते हैं कि आप ये रेमेडीज़ करिए वरना आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपको डराना कि इस तरह के उपाय करिए, महंगे महंगे उपाय, महंगे महंगे स्टोन्स रिकमेंड करना जिसमें उनका कमीशन बनता है। तो इस तरह का ये इंडस्ट्री वर्क कर रही है, जहाँ पे सही भी हैं और गलत भी हैं। आपने जिस तरह की एक्सीडेंट्स की बात करी है, उनमें किस तरह का एनालिसिस होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है वो इन चीज़ों को देखता है। अब ये जो बड़ी घटनाएं हुई, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट आपने बताया, इनमें बहुत सारी चीज़ें वर्क करती है कि वो समय कैसा चल रहा है, किस किस ट्रेन की देखेगा। अगर व्यक्ति आज मैं ही कहूँ कि आपको ये देख के बताऊँ कि कौन सा एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं पर्टिकुलर किसी एक ट्रेन की तो देख नहीं सकता, और काफ़ी सारे पर्सन हैं, तो वो डिपेंड करता है कि इन चीज़ों पर हमारा बस नहीं है, मतलब एरिया इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, एरिया बहुत बड़ा है, हाँ, कि आप कैसे फोकस कर सकते हैं, मैं नंबर वन पढ़ूँ, हाँ, नंबर थाउजेंड पढ़ूँ, बस बस ये है ना, मतलब अदरवाइज वैसे हम कर सकते हैं, हाँ, बट कर सकते हैं। इसमें भी ये है कि एस्ट्रोलॉजी इतना वृहद है कि आज मैं लगभग 2011 से कंटिन्यूस एस्ट्रोलॉजी में हूँ, लेकिन अभी भी मैं एक लर्नर ही हूँ। जैसे हर फील्ड में एक पर्सन एक लर्नर होता है लाइफ टाइम तक, मुझे लगता है अंत समय तक भी हम एक लर्नर ही रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, रोज पढ़ते हैं, रोज सीखते हैं, क्लाइंट्स आते हैं उनसे सीखते हैं और उसी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहते हैं। आपने जैसे एक बात करी भी फ्रॉड इंडस्ट्री की, डर का बाजार, फियर सेल्स, तो इसका फायदा तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग उठाते हैं, उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे और आगे भी, बिल्कुल। तो आप क्या एडवाइस देंगे कि हम कैसे बच सकते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि ही इज द राइट पर्सन, ये एक सही एस्ट्रोलॉजर है, ये मुझको सही ज्ञान दे रहा है या ये मुझको लूट रहा है? ओके, देखिए, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आए हैं, उन्हीं से मुझे ये सीखने को मिला, उन लोगों ने ये बताया, स्पेशली जो 16 से लेकर 22-23 तक के हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनमें स्पेशली लव अफेयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये रहता है कि आजकल एडवर्टाइज भी आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इवन फेसबुक पे भी, कि खोया हुआ प्यार पाएं, वशीकरण कराएं, ये सारी चीज़ें फ्रॉड है। मैं सीरियसली दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वशीकरण करवाना, खोया हुआ प्यार पाएं, इस तरह की ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्रॉड हैं। यहाँ पे एक क्लाइंट का मैं आपको जिक्र करूँगा, एक लड़की थी 18 साल की, वो मेरे पास आई थी, उन्होंने बताया कि मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि आप एक पूजा होगी जिससे 5 डेज के अंदर वो आपसे बात करना स्टार्ट कर देंगे, और उसकी कॉस्टिंग आएगी 8,000 रुपीज़। और वो लड़की सिर्फ 12,000 रुपये महीने की जॉब करती थी, मतलब इनिशियल स्टेज में एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। उन्होंने जैसे तैसे पैसों को अरेंज करके उनको दिया, उन्होंने पूजा की। 5th डे जब लड़की उनसे कॉल पे करती है कि ऐसा नहीं हुआ जैसा आपने कहा, उनका कॉल नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि आपको 4,000 रुपीज़ और देने होंगे, एक और पूजा होगी, वरना वो पूजा भी ख़राब हो जाएगी। अब इन चीज़ों में आपको ये समझना है कि आप लोग समझदार बनिए, कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकता, आप खुद ला सकते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके ग्रह किस तरह से वर्क कर रहे हैं, दशा अंतरदशा कैसी है, कौन सा ग्रह का टाइम अभी अच्छा है या बुरा। रेमेडीज़ तो आपको ही करनी पड़ेगी। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं होता, कई एस्ट्रोलॉजर अपने आप को प्रिडिक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हो जाते हैं कि हम चेंज कर रहे हैं, नहीं, एस्ट्रोलॉजर कुछ भी नहीं है चेंज करने वाले, आप खुद हैं, आप खुद अपने रेमेडीज़ करें और इस तरह की चीज़ों को तो सिरे से नकार दें। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं दर्शकों से कहूँगा कि वशीकरण, खोया हुआ प्यार पाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेंटली स्ट्रोंग रहें, आप अपने ऊपर वर्क करें, सेल्फ लव करें। अगर आप अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे तो हर कोई आपसे प्यार करेगा, आपकी अहमियत को समझेगा। लेकिन आप इस तरह की चीज़ों में जाएंगे तो आप ठगाई आएंगे, उसका यही सॉल्यूशन है। ये आपने बहुत ही बड़ी बात, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये कि आप खुद अपनी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। यस, कुछ भी होगा आपकी लाइफ में, अप्स डाउन सब चलते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको ही उस चैलेंज को फेस करना है। राइट, एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमको कोई बेवकूफ ना बना पाए कि 8,000 दो, 4,000 दो। हाँ, एक सॉरी टू कट यू, बट जिस तरह से आपने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजर को कैसे पहचानेंगे, अगर आप आजकल इंस्टाग्राम देखते हैं, अगर आप लोगों की प्रोफाइल अच्छे से सर्च करेंगे, कई लोग हैं फेक फॉलोवर्स लेके आ जाते हैं, फेक फॉलोवर्स एक दिन में 5,000, 10,000 कितने भी हम
अर्न कर सकते हैं, उनकी व्यूज़ देख सकते हैं, उनके कमेंट देख सकते हैं, उनके गूगल पे आप रिव्यूज़ देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को देख करके आप अपना दिमाग लगाइए, फिर भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आप ये देखिए। जैसे मैं आपको इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ बता दूंगा वैसे बेसिक, तो कि रेमेडीज़ की हम बात करें, आज मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप देखेंगे मैंने एक तांबे का छल्ला पहना है, इसके अलावा कोई भी रिंग कोई भी स्टोन नहीं पहना है। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, मेरा ये मानना है कि जो मंत्रों की चैंटिंग है, नौ ग्रह हैं, नौ ही ग्रहों के लगभग हजार उपाय या इससे भी ज़्यादा रेमेडीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, बट हम सब तो नहीं कर सकते। हम लोग भी जो क्लाइंट आता है उन्हें 4 to 5 रेमेडीज़ जो वो ईजिली कर सकें वो बताते हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि एस्ट्रोलॉजर आपको क्या बताएगा। अगर मैं स्टोन सजेस्ट करूंगा तो मुझे आर्थिक लाभ ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें मेरा कमीशन रह सकता है। स्टोन सजेस्ट करना, स्टोन वर्क करते हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग तो ये है कि उसमें डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है, उस डुप्लीकेसी को मैं खुद भी नहीं जान पाऊंगा इतना ईजी, उसमें ट्रस्ट करना पड़ेगा हमें थर्ड पर्सन पे। और सबसे बेस्ट रेमेडी होती है जो हमारे ऋषि मुनि को देखेंगे, हमारे संत महापुरुषों को देखेंगे, एक माला, आप रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, उस पर मंत्रों का चैंटिंग करके फ्री में अपने रेमेडी कर सकते हैं। एक निश्चित है, मान लीजिए किसी का राहु खराब है तो राहु के 18,000 जप करने की संख्या दी गई है, वो हम बताते हैं कि 18,000 के आप जाप करिए राहु से, इस विधि द्वारा आपको बेनिफिट होगा, इसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा। इसके अलावा जैसे सूर्य खराब है तो उसके भी जप हैं, गुरु बृहस्पति है तो उसके 19,000 जाप, शनि खराब है तो 23,000 चैंटिंग। उसके अलावा बेसिक जैसे रिलेशन मैंने आपको बताया कि रिलेशंस को सही करिए, अपने आप को सही करिए। सूर्य और चंद्रमा हमारी, सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है, अगर ये दो ग्रहों को भी व्यक्ति बैलेंस कर लेता है, जिनके रेमेडीज़ लगभग सभी को करनी होती है, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं डेली इनकी रेमेडी करता हूँ, तो लगभग हमारा 50% लाइफ बैलेंस तो इन्हीं चीज़ों से हो जाता है। अब जैसे आपने बात बोली है मंत्र उच्चारण की, चैंटिंग ऑफ द मंत्रास, तो ये काम कैसे करता है कि अगर सपोज मैं महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रही हूँ, है ना, तो ये कैसे मुझे हेल्प करेगा कि ठीक है मैं बैठी हूँ, शांति में बैठी हुई हूँ मैं, और मैं उसका जाप कर रही हूँ बार बार बार, तो ये काम कैसे करता है? ये कुछ एनर्जी क्रिएट होती है, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, क्या होता है इसका लॉजिक? देखिए, ध्वनि विज्ञान कहा गया है कि ध्वनि में वाइब्रेशंस होती हैं। अगर मंत्रों की आप बात करें, मंत्रों की चैंटिंग करें, तो उसमें इस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं जो हमारी बॉडी को पॉजिटिव इफेक्ट देती है। इन सब चीज़ों से अगर हम, जितनी भी रेमेडीज़ हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, हम हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के, हम श्री कृष्ण के मंदिर जाते हैं, उससे क्या होता है, एक पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी आने से हमें कॉन्फिडेंस आता है। ये दो ही ऐसी कीज़ हैं जिन्होंने विराट कोहली को विराट कोहली बनाया, रोनाल्डो को रोनाल्डो बनाया। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है वो पॉजिटिविटी पे और कॉन्फिडेंस पे टिका हुआ है। और हमारे मंत्रों की चैंटिंग, भगवान के मंदिर जाना, कुछ वास्तु रेमेडीज करना, ये सब हमें मन से मजबूती देती है, कॉन्फिडेंस देती है, पॉजिटिविटी देती है। तो यही इसका एक साधारण सा है, और इससे ज़्यादा हमें डीप में जाके समझने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जाते हैं, जितना डीप जाएंगे आप कन्फ्यूज़ होंगे। किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप किसी मंदिर जाते हैं, हम कोटा की बात करें, गोदावरी धाम मंदिर इतना बड़ा मंदिर है हमारे, बहुत ही फेमस, वहाँ भगवान के मंदिर जा रहे हैं तो उसमें इतनी आस्था रखिए कि हम मंगलवार को हनुमान मंदिर गए हैं, हमने सिर्फ एक हनुमान चालीसा पढ़ी, तो वो हमें वर्क करेगी हमारी सारी ही प्रॉब्लम्स पे। आपका ट्रस्ट कितना मजबूत है। और देखिए, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, संत होते हैं, वो एक माध्यम होते हैं, वो आपको कोई मंत्र बताते हैं, उससे बीमारी से रिलेटेड बताते हैं, तो उस पर आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं एक माध्यम होने से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब आप उस ट्रस्ट के साथ वर्क करते हैं तो आपको नो डाउट बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। एग्जैक्टली सर, मतलब मैं यही जानना चाह रही थी कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन है इनके बीच में? बिल्कुल है। देखिए, फर्स्ट थिंग तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी में जो गणित ज्योतिष है, उसमें एस्ट्रोलॉजी में दिखाया गया है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गणनाओं को किस तरह से तिथियाँ आती हैं, कि किस तरह से चेंजेस होते हैं प्लेनेटरी, ग्रहों के, नक्षत्रों के, ये सब साइंस है। सेकंड थिंग, अगर हम फलित ज्योतिष की बात करें, फलित ज्योतिष पे ही हमारा डिस्कशन ज़्यादा है और वही एस्ट्रोलॉजी में अभी आम लोग हैं जो ज़्यादा समझते हैं उसमें। तो फलित ज्योतिष किस तरह से साइंस है, देखिए साइंस का एक पार्ट है साइकोलॉजी। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी होते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में एम्स में भी हैं और अमेरिका तक हर जगह साइकेट्रिस्ट हैं। साइकेट्रिस्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को स्टडी करके कि किस तरह से हमारे पॉजिटिविटी आती है, किस तरह से हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ओवरथिंक करते हैं हम, इन चीज़ों का सोल्यूशन देते हैं हमारे माइंड को फोकस करवा के और हमारी काउंसलिंग करके। अब एस्ट्रोलॉजी जो है ये भी इस तरह से वर्क करता है। अगर मान लीजिए मैं किसी पर्सन को गाइडेंस दे रहा हूँ जिससे उसे एक उसका मन मजबूत हो रहा है,
उसे चैंटिंग करने से, उसे कुछ रेमेडीज डोनेशन करने से, उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्राइक करता है। मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको ये प्रॉब्लम में सॉल्यूशन होगा। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका मन इतना मजबूत हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्राइक करेगा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, मैंने आज सुबह दिया लगाया है, मैंने भगवान शिव को जल चढ़ाया है, तो मेरा दिन अच्छा जाएगा। तो साइकोलॉजी के थ्रू आपको एक बेनिफिट हुआ कि आपकी एक साइकी बनी कि आपको पॉजिटिव कुछ अपने कर्म करके आप घर से बाहर निकले हैं, इससे आपका दिन अच्छा जाएगा। और वैसा होता भी है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा काम होता है। जैसे मान लीजिए आपको रात को कहीं पे अकेले जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं एक अनजाना डर लगेगा कि हो सकता है आपको चोरी से डर लगे या किसी भी चीज़ से। लेकिन वहीं आपके हस्बैंड साथ जाते हैं या आपके कुछ फादर साथ जाते हैं तो नहीं लगेगा। बट मान लीजिए कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो फादर या हस्बैंड भी उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका साथ होना ही एक एहसास देता है, एक फील देता है कि आप प्रॉब्लम्स को फेस कर जाएंगे, आप एकदम लाइट हो जाते हैं। उसी तरह से जब हम कोई रेमेडी करते हैं, जैसे हम चैंटिंग करके निकले हैं या हम हनुमान चालीसा पढ़ के निकले हैं, तो हमें यह रहता है कि भगवान हमारे साथ हैं। हमारा साइकोलॉजिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हमने कुछ किया है, उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट होगा पॉजिटिव, और वो चीज़ इतना वर्क करती है। पूरी साइकोलॉजी साइंस है, तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज भी साइंस है, हर चीज़ सही है। आप देखेंगे कि आजकल कुछ स्विच वर्ड्स का गेम आया है जो देखा होगा, राइट? आप ऐसा बोलो हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएंगे, आप ऐसा बोलो पैसा बरसने लगेगा। यस, देखिए मैं किसी चीज़ की निंदा नहीं करना चाहता, क्योंकि हर चीज़ में मुझे भी नॉलेज नहीं है, सबको नहीं होती। अगर जैसे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे प्राचीन है, जो वेदों से निकली है, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सभी में एस्ट्रोलॉजी के कुछ कुछ श्लोक्स बताए गए हैं। उसके बाद कंटिन्यूस हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग ग्रंथ निकाल के और एस्ट्रोलॉजी की बहुत बड़ी महिमा कही। लेकिन एस्ट्रोलॉजी से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी निकली। जैसे आपने शुरू में पॉडकास्ट में आपने बताया कि सूर्य राशि, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने चंद्र राशि पर महत्व ज़्यादा दिया है, क्योंकि चंद्रमा सवा दो दिन में एक राशि को परिवर्तित कर लेता है, और सूर्य तटस्थ प्लेनेट है जो लगभग एक महीने में एक राशि बदलता है, और चंद्रमा बहुत नज़दीक भी है। तो चंद्रमा की वजह से हमारे मन को दिखाया है कि हमारा मन जो है, हमारी सोच विचार हैं, जिस तरह से हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, यह है चंद्रमा। अब चंद्रमा का हम जो राशिफल पढ़ते हैं वो चंद्र राशि से पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा सटीक रहेगा, क्योंकि जैसा आज हम सोच रहे हैं कल को चीज़ें चेंज होती हैं, परसों और हमारी थिंक चेंज होती हैं। और सूर्य का अगर रहता तो हमारी समान रहती सोच, तो इसलिए चंद्र राशि को हमारे ऋषि मुनियों ने महत्व दिया है। चंद्रमा कुंडली में जिस स्थान में, जिस राशि में होता है, वही आपकी चंद्र राशि होती है, उसी से आप साढ़े साथी ढैया और दशा अंतरदशा ये चीज़ों को आप देखते हैं, एनालिसिस करते हैं हम एस्ट्रोलॉजर, और चंद्र राशि का बड़ा महत्व है। तो साइंस की हम बात करें तो हमारा पॉजिटिविटी और साइकोलॉजी जिस तरह से वर्क करती है, एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज भी उस तरह से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दे के वर्क करती है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिए हमको कि एस्ट्रोलॉजी नो डाउट साइंस से कनेक्टेड तो है, बिकॉज कई सारे वीडियोज मैं देख रही थी ऑन सोशल मीडिया जो टोटली एस्ट्रोलॉजी को दिखा रहे थे कि दे आर इलॉजिकल, दे डोंट हैव एनी बेस। लेकिन आपसे बात करके मुझे डेफिनेटली लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ बेस तो है साइंस से, इट इज रिलेटेड। तो अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ बता पाए। देखिए जैसे एस्ट्रोलॉजी में जो रेमेडीज बताई गई हैं, फर्स्ट थिंग तो क्या होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडीज बताते हैं वो इस तरह की बताते हैं जिससे उनको पैसा अच्छा बन पाए, तो आप लोग उसको कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि ये लॉजिकल कैसे है। लेकिन मैं आपको दो रेमेडीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का चंद्रमा खराब है, तो चंद्रमा की रेमेडीज जो मैं बताता हूँ, आप हाई वाटर इंटेक रखेंगे तो चंद्रमा अच्छा होगा, आप केसर वाला हल्दी का दूध पीकर सोएंगे, केसर या हल्दी का, तो आपका चंद्रमा अच्छा होगा। आप एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपका मून स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे? क्योंकि चंद्रमा जिस व्यक्ति का ख़राब है उसको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, ओवर थिंक करेगा, इंसोमिया, नींद की उसको दिक्कत रहेगी, कफ एंड कोल्ड के इशू उसको रहेंगे। महिलाएं हैं तो पीरियड्स की इरेगुलरिटी, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल डिसबैलेंस, इन चीज़ों को सही किससे किया जाता है? एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक डॉक्टर, एक एस्ट्रोलॉजर, तीनों ही सेम ही रेमेडीज बताएंगे कि आप व्यायाम करिए, इससे आपका चंद्रमा अच्छा रहेगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस करेंगे, आप पानी ज़्यादा पीजिए, पानी ज़्यादा पीने से आपके हार्मोन्स तो अच्छे से वर्क करेंगे ही, आप कूलनेस, कामनेस में भी रहेंगे, और इन रेमेडीज से आप में जो जितना कूल रहेंगे, जितने काम रहेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। तो इस तरह की रेमेडीज़ हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मंगल ख़राब है, अब मंगल की क्या रेमेडी है? अगर कोई व्यक्ति
खेल कूद में चला जाता है। मंगल है एनर्जी, आप में एनर्जी लेवल हाई रहेगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा अपने छोटे भाई बहनों को बच्चे पीट देते हैं, उन्हें तंग करते हैं, क्योंकि उनका मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। हर इंसान के तत्व अलग होते हैं, आप डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ। कोई पर्सन होता है जिसका मंगल अगर ज़्यादा एक्टिव है तो एक्टिव ज़्यादा रहेगा। अब उस व्यक्ति को यदि आपने खेल की दिशा में लगा दिया तो स्पोर्ट्समैन बन जाएगा। अगर उसको आपने एजुकेशन में इस तरह से डाला तो वो पुलिस वाला बन जाएगा, वो फौज में जाएगा। और अगर उसे गलत संगत मिल गई तो वो डाकू भी बन सकता है, लुटेरा, चोर, इस तरह का, क्योंकि ये सारी चीज़ें एनर्जेटिक है, एनर्जी सब में चाहिए आपको। तो मंगल का उपाय एक ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलकूद करिए, एक दो घंटा आप खेल में दीजिए, अपनी एनर्जी को उसमें खेल में निकालिए। जब कोई बच्चा आपका जिसका मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अगर वो खेलकूद में जाएगा तो वो वहाँ पर उसकी एनर्जी इतनी खर्च कर लेगा कि वो घर पर आके थोड़ा शांत रहेगा, उधम कम करेगा, अपने छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे से सलीके से रहेगा। तो इस तरह की रेमेडीज हैं और ये लिखी गई हैं। तो ये सारी चीजें हमारे बिल्कुल जो भी अपने ग्रंथ हैं, हाँ, उनमें ये सारी चीजें मेंशन की गई होती हैं। आज छोटी सी एक बात लेंगे आपकी, मंगल के लिए एक स्टोन होता है मूंगा, रेड कोरल जो हम पहनते हैं, मंगल से संबंधित लाल वस्तु का दान या लाल मूंगा पहनना, ये चीजें हम काफी प्राचीन समय से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और इसी तरह से जब साइंस ने मंगल ग्रह की खोज की तो उस पर लाल कलर की मिट्टी का पाया जाना, रेड से उसको दिखाया गया। तो इस तरह से भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सिमिलरली दिखती हैं। जैसे आप चंद्रमा को देखेंगे, जो हाई टाइड लो टाइड जो ज्वार भाटे समुद्र में आते हैं वो पूर्णिमा के टाइम पे ज़्यादा आते हैं। वही हम हमारी बात करें तो पूर्णिमा के दिनों में जिनका चंद्रमा बहुत वीक है, उन लोगों का आप मानेंगे नहीं, कई क्लाइंट है जो बताते हैं कि पूर्णिमा पर उनको आंसू आने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो चंद्रमा का पूर्णिमा के समय इतना ज़्यादा इफेक्ट होना, वही वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स yes, होता है बेसिकली, बिल्कुल, तो वो जिस तरह से समुद्र के पानी के ऊपर वर्क करता है, यस, समवेयर हमारी बॉडी में भी काम करता है, क्योंकि बॉडी में लगभग 70% लगभग जल है। तो उस जल को कहीं ना कहीं कोई ग्रेविटी फोर्स है जो कर ही रहा है बैलेंस। हम स्टोन्स पहनते हैं, उनका भी यही वर्क है कि जो रश्मियाँ हमें ग्रहों से प्राप्त हो रही हैं उनको वो एब्जॉर्ब करके हमारे में पॉजिटिव इफेक्ट दे। तो इस तरह से वर्क करते हैं। तीन रेमेडीज़ बताई गई हैं स्पेशली, तीन तरह से रेमेडीज़। फर्स्ट तो होती है आप चैंट करें, कोई भी आपका ग्रह खराब है उसका जप करना। सेकेंड, उसका डोनेशन, उससे रिलेटेड थिंग्स का डोनेशन करना, और उससे रिलेटेड भगवान की पूजा करना। ये तीन तरह की रेमेडीज़ हैं जिससे बेसिक रेमेडी जिनसे आप हमारे ग्रहों को सही कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, इतनी बेसिक रेमेडीज़ हैं, इतना बेसिक है, कॉम्प्लेक्स हमें करना ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर भी कॉम्प्लेक्स करते हैं, कई क्लाइंट्स भी होते हैं वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो हम अगर सिंपली लेंगे तो हमें लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना मैं ये सोचता हूँ कि क्लाइंट को बेनिफिट होना चाहिए, वो कैसे भी हो, तो वो अगर उसको इतना बेसिक से लेगा उसको बेनिफिट होता है, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। सही हो नहीं हो, लेकिन जिस तरह के ये रेमेडीज़ हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया पूरे पॉडकास्ट में, इनका कोई नुकसान नहीं है, इनमें कोई आर्थिक आपका खर्चा नहीं हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इस तरह की रेमेडीज़ करके आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है, ओके, उसको अपना डेट ऑफ बर्थ, ईयर, टाइम, प्लेस कुछ नहीं पता है, ओके, आप उसको कैसे गाइड करते हैं? देखिए, तीन तरीके से हम गाइड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये होती है जो सबसे बेस्ट है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ तीनों चीज़ें जानता है तो वो हमसे शेयर करें, हम उनकी कुंडली बनाएंगे। और लगभग उसके बाद मेरा जो रहता है पर्सनली कि मैं सब कुछ उन्हें बताऊंगा उनके बारे में जितना मुझे नॉलेज है, उसके बाद कहूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन है आपके करिए, जितने भी क्वेश्चन हो, तो वो क्वेश्चन करते हैं। और मैक्सिमम लोगों को अभी तक मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होती, लगभग आधे घंटे तक हम सब कुछ हम ही बता देते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली है उसमें 12 हाउसेज होते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। लाइक फर्स्ट हाउस आपका लग्न, आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। सेकंड हाउस आपके धन, कुटुंब और वाणी को। थर्ड हाउस आपके पराक्रम, मेहनत को, छोटे भाई बहनों को। फोर्थ हाउस भूमि, भवन और वाहन के सुखों को। फिफ्थ हाउस आपकी नॉलेज, संतान भाव को। सिक्स्थ हाउस आपके रोग, ऋण और शत्रु को। सेवन्थ हाउस आपके स्पाउस को। एट्थ हाउस आपकी आयु को। और नाइन्थ हाउस आपके भाग्य को। टेंथ हाउस आपके कर्म को, कि क्या प्रोफेशन है, किस तरह का पेशा है। इलेवन हाउस आपकी इनकम को, जो बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन रहता है इनकम पे, यस। और ट्वेल्थ हाउस हमारे एक्सपेंसेस को, हमारी नींद को। तो इस तरह से इन सब के बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं ग्रहों को लेकर, इन सब पॉइंट्स के बारे में बताते हैं, तो लगभग लगभग सारे ही क्वेश्चन इन 12 ही घरों के अंदर हैं,
12 ही 12 हाउसेस के अंदर, उन्हीं के अंदर आंसर दुनिया के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बात ऐसी है कि सेकंड आपने पूछा था कि किस तरह से आप उनको गाइड करेंगे अगर डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स नहीं है, व्यक्ति के पास हाथ होगा, पामिस्ट्री, हाथ की रेखाओं से भी हम कह सकते हैं, उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कुंडली होती तो हमारी एक्यूरेसी 80-90% तक आने के चांसेस रहते हैं मैक्सिमम, और पामिस्ट्री से हमें 60-70% 50% कभी ज़्यादा भी हो जाता है, इस तरह की एक्यूरेसी आती है। थर्ड ये है, अगर कोई पर्सन फ़ोन पे है क्लाइंट हमारे पास, तो उसके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है सही, उसका हाथ देखना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ़ोटोज़ वो हाथ की भेजेगा तो इतना क्लियर हम नहीं देख सकते, तो वो हमें फिर खुद बताएगा कि हम उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमें ये नहीं निर्धारित करना कि उसकी प्रॉब्लम हम बताकर कुछ महान बन जाएं कि हम ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं कि हम ही प्रॉब्लम बता रहे हैं। उसका सॉल्यूशन, पर्सन को सॉल्यूशन मिलना सबसे बड़ा हमारा टास्क रहता है कि उसे सॉल्यूशन मिले, तो वो पर्सन बताएगा। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज़ है, स्किन डिजीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने हर तरह का इलाज करा लिया लेकिन स्किन डिजीज़ में मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो मैं उसे ये सजेस्ट करूंगा कि 9 प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट है जो स्किन डिजीज़ को दिखाता है, क्योंकि डिजीज़ भी सारे प्लैनेट से डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्राइब की गई है। तो बुध मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी का नीच राशि में है या बहुत वीक है तो उसे स्किन डिजीज़ होंगी, तो मैं उसे बताऊंगा कि आप बुध, क्योंकि मेरे को मैंने रिलेट कर लिया कि उसकी प्रॉब्लम से बुध का संबंध है मरकरी का, तो उसे मरकरी के मैं रेमेडीज़ बता दूंगा, उसके कलर थेरेपी बता दूंगा, उसका डोनेशन बता दूंगा, उसकी चैंटिंग बता दूंगा, और साथ में मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप जो आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसे पूरी तरह से लीजिए सिस्टमेटिक, प्लस ये भी करिए जिनमें आपका कोई खर्चा नहीं है, तो उसे कहीं ना कहीं बेनिफिट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसे अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, मे बी आपने भी देखी होगी, अजय देवगन की थी, शैतान, उसे वशीकरण के बारे में बताया गया है, ब्लैक मैजिक के बारे में। और देखिए ऐसा बोला भी गया है कि कलयुग में काला जादू बहुत होगा, अचानक से किसी इंसान का बिल्कुल मन ही बदल जाता है, वो अपना परिवार छोड़ के कहीं और रहने चला जाता है ना, ब्लैक मैजिक किया जाता है, और हम एक ऊपरी हवा की भी बात करते हैं, मौजुलिका वाली बात अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, तो इसके बारे में इसका कुछ कनेक्शन है एस्ट्रोलॉजी से, कुछ है इसके बारे में इसमें मेंशन कुछ? देखिए बिल्कुल है, कुंडली में 8th हाउस, 8वां घर, चंद्रमा और कुछ प्लैनेट्स हैं जो दिखाते हैं कि व्यक्ति कितना आत्मबल से मजबूत है। यदि व्यक्ति का सूर्य मजबूत है तो वह आत्मबली होगा, जो आत्मबली होगा उसको ऐसी चीज़ें कभी इफ़ेक्ट नहीं करती। लेकिन जिन व्यक्तियों का सूर्य कमज़ोर होता है, चंद्रमा कमज़ोर होता है, जो इमोशनली वीक होते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें वर्क करती है। जब हम काउंसलिंग करते हैं ना प्रॉपरली, तो उसकी पूरी पास्ट हिस्ट्री देखनी होती है कि पास्ट में उसके साथ किस तरह की घटनाएँ हुई हैं, उसका मन कितना वीक है, उसके साथ एक तो उसके मानसिक, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कुछ ये भी हम कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ पूरी तरह से सही नहीं है और कोई भी चीज़ पूरी तरह से गलत नहीं है, तो जिसके साथ होता है वही इसको समझता है, मैं एग्री करूँगा। बट इनके जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप भगवत कृपा पर, भगवान पर इतना विश्वास रखिए अटूट, अपने इष्ट को इतना मजबूत रखिए। आप जैसे सूर्य हमारे आत्मबल देता है, सूर्य को अर्घ देना, एक डिसिप्लिन लाइफ रहना, आप सूर्य को मजबूत कैसे करेंगे? आप सुबह समय पे उठ के, अगर आप 11 बजे सुबह उठ रहे हैं तो आपका सूर्य अच्छा नहीं हो सकता, भले आप कोई सी भी पूजा करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, कोई सा भी स्टोन पहन लीजिए, तो अगर आप डिसिप्लिन लाइफ में रहेंगे, डिसिप्लिन देता है सूर्य, तो आप आत्मबली रहेंगे, इतने डिसिप्लिन रहेंगे, इतना हाइजीन मेंटेन करेंगे कि इस तरह की चीज़ों का आप पे असर नहीं होगा। फिर भी असर है, इस तरह का आपको फील होता है, तो इसके बहुत ही बेसिक सी रेमेडीज़ हैं, जैसे भगवान शिव के अवतार हैं काल भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव जिन्हें हम कहते हैं, उनके दर्शन मात्र से, रविवार के दिन आप उनके दर्शन मात्र से उनके घी का दिया लगाइए, ये छोटा सा एक रेमेडी है, इससे आपको किसी भी तरह का ऐसा दोष हो तो उससे निजात मिलता है परेशानियों से। और मैं तो यही कहूँगा कि आप सूर्य चंद्र को मजबूत करिए, अपने इष्ट पर वर्क करिए। एक जैसे आप हनुमान मंदिर जा रहे हैं तो हनुमान चालीसा पर इतना ट्रस्ट रखिए कि आपको इस तरह की कोई नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती, आपका ट्रस्ट कितना मजबूत है, आप मेंटली कितने स्ट्रोंग है, वही वर्क करते हैं। मतलब ये सारी नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट तो करती है, करती है, अगर पॉजिटिव है yes. तो नेगेटिव भी है, बिल्कुल है, बट ये है कि आप कैसे कोप अप कर रहे हो, आप कैसे मतलब उसको फेस कर रहे हो, मतलब वही चीज शायद आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट ना करे, लेकिन जो शायद आपके बगल में बैठा हुआ है उसको ज्यादा कर जाए, बिल्कुल होता है, है ना, तो ये वाली चीजें इसमें रहती है कहीं ना कहीं। अब अगर हम बात करते हैं लाइक वास्तु की, वास्तु, हम अपना घर जब कंस्ट्रक्ट करवाते हैं या फिर ठीक है हमारा घर ऑलरेडी है तो हम कई चीजें होती इधर से उधर रखते हैं, कई सारी चीजें होती है जो हमको हमारे बड़े घर पे बताते हैं, झाड़ू ऐसे मत रखो, ऐसे रखो,
स्लिपर्स ऐसे नहीं रखनी है, ऐसे रखनी चाहिए, राइट? तो ये चीज़ें कहाँ तक लाइक बेनिफिशियल है? मतलब मुझे तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो टोकना बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो टोकने से नेगेटिविटी और ज़्यादा आ जाती है. मतलब वो शायद मेरे दिमाग में कभी होगा भी नहीं, लेकिन अब वो जब मेरे को एक बार टोक दिया जाता है तो वो और नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाती है. तो ये सही डायरेक्शन है या गलत है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे वास्तु की आपने बात करी, फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग मुझे वास्तु दिखाने आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि फर्स्ट थिंग है आपकी कुंडली. कुंडली के अनुसार वास्तु बनेगा. मान लीजिए कोई प्लानिंग कटी है जिसमें आपने प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं, तो नॉर्थ फेसिंग भी होगा, साउथ फेसिंग भी होगा, ईस्ट भी होगा, वेस्ट भी होगा, तो सभी में प्लॉट्स होते हैं, सभी में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो दिशाएँ कोई ख़राब नहीं होती, सारी दिशाएँ भगवान की बनाई हुई है सब कुछ. लेकिन डिपेंड करता है, हर पर्सन अलग तरह का है. जैसे आपको, आपके लिए सर्दी अच्छी हो सकती है लेकिन मेरे लिए सर्दियों में प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएँ. आपके लिए गर्मी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है लेकिन मुझे गर्मियों में ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो, मैं और अच्छा काम कर सकूँ. जिस तरह से मौसम सबके लिए डिफरेंट होते हैं, उसी तरह से दिशाएं भी. अब इनका ज्ञान कहाँ से होता है? कई लोग हैं जो वास्तु में डायरेक्टली घर का, हाउस का मैप देख के एक नॉर्मल चीज़ों पर चले हैं. जैसे आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट भगवान की दिशा है, नॉर्थ ईस्ट में अगर घर का आपका फेसिंग है तो अच्छा है. लेकिन ऐसा नहीं है कुछ लोगों के लिए. मान लीजिए आपका मंगल बहुत मजबूत है तो आपके लिए साउथ भी अच्छा वर्क कर सकता है. आपका शनि बहुत मजबूत है, जैसे पर्सनली मेरा कहूँगा, कलर्स में ही ले लीजिए आप, जैसे ब्लैक शर्ट मैंने पहना है, मेरा शनि बहुत अच्छा है. या मैं तुला लग्न हूँ, शनि हमारा कारक प्लेनेट है तो हमारे लिए ब्लैक कलर बहुत फेवरेबल है, पश्चिम दिशा वेस्ट साइड बहुत फेवरेबल है. तो सबके लिए कुंडली के हिसाब से अलग अलग वास्तु डिसाइड होता है. कुंडली से पता चलता है कि व्यक्ति के तत्व कैसे हैं, उसके लिए सर्दी अच्छी है या गर्मी अच्छी है, उसके लिए उत्तर दिशा अच्छी है या दक्षिण दिशा अच्छी है, और फिर उसके अनुसार अगर उसका वास्तु हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. मेरा पर्सनली, मैं आपको कहूँ तो इतने सारे वास्तु की रेमेडीज़ हैं जिनमें आपको तोड़फोड़ करने की लगभग 99% आवश्यकता नहीं होती है. छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप करके पॉजिटिव फील कर सकते हैं और इस तरह से उनके रेमेडीज़ करके आपको फ़ायदा होता है. आपने कहा जैसे झाड़ू पर पेड़ ना लगाएं, कहा गया है. बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो घर पे चल रही आ रही हैं. देखिए, उनका कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों से संबंध होता है. वो हमें एक शिष्टाचार सिखाती हैं. मान लीजिए आपके घर में जो बच्चे हैं, किड्स हैं जो भी, या आस पड़ोस में, उन लोगों को शुरू से ही हम एक हैबिट फॉर्मेशन देते हैं कि आप मंदिर जाएं, दर्शन करें. मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ गरीब लोग मिलेंगे, कुछ नीडी पर्सन मिलेंगे, उनकी कुछ ना कुछ हम डोनेशन के थ्रू हेल्प करें. अब आप एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जिस तरह की हैबिट फॉर्मेशन हम बच्चों में कर रहे हैं, वो देखेंगे कि गरीबों की, असहायों की मदद करनी चाहिए, मंदिर जाकर भगवान के सामने नतमस्तक होना चाहिए. तो एक अच्छी हैबिट फॉर्मेशन हो रही है. अब इन फ्यूचर में जब वो बड़े होंगे, जब बचपन से देखेंगे, तो अपने मदर फादर को, जो आजकल कलयुग में हो रहा है कि धक्के मार के बाहर निकाल देना, उनका कोई आदर नहीं करना, उनको जब बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा नीड होती है तो बहुत बुरी तरह से उनके साथ बर्ताव करना, तो जो पर्सन, मेरा ये मानना है बेसिकली, देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, पर जो मंदिर जाएगा, जो नतमस्तक होगा भगवान के सामने, जो इस तरह की चीज़ें करेगा, वो कम से कम अच्छी आदतों के कारण इस तरह का बिहेवियर तो नहीं करेगा. अपने भाई को बाहर निकाल देना, उनको उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा कि हर व्यक्ति में भगवान है, हर व्यक्ति में एक प्योर सोल है और उसका रेस्पेक्ट करना वो सीखेगा. जैसे शुक्र का मैंने बताया कि पत्नी से जो अच्छा व्यवहार करेगा उसका शुक्र अच्छा होगा, पत्नी की केयर करेगा, पत्नी को खुश रखेगा तो व्यक्ति का शुक्र अच्छा होगा. ये एस्ट्रोलॉजी में कहा है, लिखा हुआ है. अब ऐसा आप भी मानेंगे कि पत्नी को खुश रखना ही चाहिए, उनका आदर करना चाहिए. हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो नारियों का सम्मान करना चाहिए. इसमें कोई शर्म नहीं है उनका हाथ बटाने में, उनके साथ आप एक मेल ईगो को साइड में रख के अगर उनको करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है. क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी आपके साथ साथ कदम बढ़ाकर आपके घर को आगे ले जाती है, उन्नति में सहायक होती है. तो ऑब्वियसली सी बात है इस तरह की रेमेडीज आपको काम आएंगी. तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं आप देखेंगे पॉजिटिव वे रख के, एक माइंडसेट आपका अगर पॉजिटिव रखेंगे तो आपको सब में अच्छा ही दिखाई देगी. अदरवाइज आप जैसा लेना चाहें. हाँ नहीं, वो तो देखिए वही बात है ना, जो आप ढूंढना चाह रहे हो हाँ, आपको वही मिलेगा. साइकोलॉजी इतना वर्क करती है. मान लीजिए आपका एक वॉलेट में कुछ पैसे चोरी हो गए. अब आप या तो पैसे जो चोरी हुए हैं उनका गम बना लीजिए, या फिर आप सोचिए कि कम से कम मेरे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो तो बचे रह गए, मुझे सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. 1,000-2,000 की चोरी से अच्छा है कि कम से कम डॉक्यूमेंट्स बच गए, वहाँ 5,000 का खर्चा होता प्लस महीना भर और लगता डॉक्यूमेंट. तो सोच है, आप ग्लास को आधा भरा देखते हैं या आधा खाली, आपके ऊपर डिपेंड करता है. और आप पॉजिटिव
थिंक बना लेते हैं बस. ये हमारा परसेप्शन, परसेप्शन परसेप्शन बहुत जरूरी है. हम कैसे चीजों को देख रहे हैं, yes. मतलब मैं किसी चीज को देख रही हूँ, आप किस ढंग से देख रहे हैं, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही है. लाइक टू टेक अप नाउ, लाइक जैसे आपने अभी बताया हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, राइट, वी कम टू मैरिजेस. ओके, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जब शादियाँ करवाई जाती हैं तो हम कुंडली पे, हॉरोस्कोप पे बहुत फोकस करते हैं. फोकस करते हैं, राइट. ये जरूरी है वाकई में? देखिए कुंडली क्या है पहले समझिए. समय काल परिस्थिति अनुसार कुंडली में सब ज्योतिष में लिखा गया है कि समय काल परिस्थिति अनुसार चीज़ें बदलेंगी और उन्हीं के अनुसार हमें प्रिडिक्ट करना चाहिए. तो वर्तमान समय जो है इसमें कुंडली का इतना महत्व है कि आप जब कुंडली मिलान करते हैं, कई मेरे क्लाइंट से जो एप्लीकेशन से मिलान कर लेते हैं कि 36 में से कितने गुण मिले हैं, मुख्यतः हम देखते हैं कि लगभग 18.5 से ज़्यादा गुण मिलने चाहिए. मंगल दोष ना हो, नाड़ी दोष ना हो, वकुट दोष ना हो, ग्रह मैत्री अच्छी हो, लेकिन 36 में से गुण मिलना ये 1/4 है कुंडली का, ओनली 25% है. एक एस्ट्रोलॉजर जो होगा वो कुंडली को इस तरह से मिलाकर प्लस दोनों की सेपरेट सेपरेट कुंडली को एनालिसिस करेगा, दोनों के कब किस तरह से ग्रह सपोर्टिव है. मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मेरे गुरु बृहस्पति योग बना रहे संतान का 2025 में और मेरी वाइफ के 2028 में, तो वो मिलान ही कभी नहीं हो पाएगा. अपने साइंस की बात की, बहुत सारी कुंडलियां हैं मेरे पास जिनके एग्जांपल हैं, जहां हस्बैंड वाइफ में जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है न्यूली मैरिड में, कि संतान को लेकर संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है. अब आप बताइए कि साइंस क्या कहेगी जब हस्बैंड और वाइफ में हर तरह के चेकअप्स कराने के बाद, हर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो साइंस कहती है उनको संतान होनी चाहिए. लेकिन फिर भी 4-4, 5-5 साल तक संतान नहीं हो पाती. क्यों? क्योंकि उनके योग ही नहीं बने हैं. ये चीज़ें कुंडली से पता चलती है. और हम जब कुंडली मिलान करते हैं तो ये योग देखते हैं कि एक सर्टेन टाइम में दोनों का साथ योग आए. ऐसा नहीं कि एक का आ जा रहा है, एक का 5 साल बाद, तो फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे. कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है. लेकिन कुंडली 50% है. कुंडली इज लाइक जैसे हेरिडिटी है. हेरिडिटी से आपको आपके मदर फादर से कुछ गुण मिले हैं. समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, मदर फादर से जो गुण मिले हैं वो हेरिडिटी से मिले हैं. उस तरह का आपका नेचर है, मिलता जुलता. बहुत सारी हरकतें हमारी मदर फादर से मिलती हैं, बट हम वातावरण से भी कुछ सीखते हैं, पर्यावरण भी हमें सिखाता है. वैसे ही कुंडली आप मान लीजिए हेरिडिटी है, लेकिन राइट नाउ आप किस तरह से रह रहे हैं, आपका वातावरण कैसा है, आपके आसपास के लोग किस तरह के हैं, वो बहुत सिखाता है. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि हमारे राजस्थान में एक गाँव है बामनवास. वहाँ लगभग एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लगभग 60-70 IAS RAS हैं. अब आप ये देखिए कि वहाँ पे इतने ज़्यादा प्रशासनिक सेवा में, या शायद इससे भी ज़्यादा, वो वहाँ पे ये कहा जाता था जब लाल बत्ती का कल्चर था कि दिवाली पे इतनी लाल बत्तियाँ आती हैं एक गांव में कि आप सोच नहीं सकते कि मतलब कितने ज़्यादा उन लोगों ने तरक्की की. क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा बन गया. एक बना तो दूसरे ने भी सोचा कि आज मैं भी पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं भी बन सकता हूँ. तीसरा भी ने भी ऐसा किया, फिर पड़ोसी ने ऐसा किया, तो पूरा माहौल इस तरह का बन गया. आप क्षेत्र विशेष में देखेंगे, जैसे शेखावटी क्षेत्र में देखेंगे राजस्थान में, एक अलग नौकरियों की तैयारी की जाती है. सरकारी नौकरी पर बहुत बल दिया जाता है. आप इधर देखेंगे हमारे भरतपुर की तरफ, तो यहाँ पे रेलवे की नौकरियों को बहुत ज़्यादा, पुलिस की नौकरियों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है. हरियाणा में देखेंगे तो आप स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा. तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि लोग देखकर उस एटमॉस्फेयर में ढल के अपने आप को उस तरह के लिए ही प्रेरित करते हैं, कर्म ही उस तरह से करते हैं और वो चीज़ उसमें फेमस हो जाती है. राइट, मतलब जैसे वो वाइब्स क्रिएट होती है बेसिकली. जैसे कि हम बोलते हैं ना जनरली, लाइक किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं, आई विल नॉट नेम, वो बिजनेसमैन होते हैं, राइट, है ना? तो वो आप वही वाली बात बोल रहे हैं कि वो वाइब्स जो क्रिएट होती है वही अट्रैक्ट करती है आपको आसपास. ओके, सो थोड़ा सा अब हम कूल डाउन हो लेते हैं. आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए. सो लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू गो विद अ गेम विद यू. ओके, राइट, एक रहता है हमारे एक एपिसोड का हिस्सा रहता है. सो इट्स लाइक व्हाट एंड व्हाई. मैं आपको दो वर्ड्स दूंगी, कोई भी दो चीज़ें दूंगी, आपको उसमें से एक चूज करनी है. ओके, और आपको बहुत जल्दी से मेरे को बताना है कि क्यों. राइट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैंने बोला एप्पल और ग्रेप्स, तो मे बी आपको एप्पल ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज वो डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है. या मे बी आप ग्रेप्स बोलें बिकॉज आपको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, खट्टा मीठा, समथिंग लाइक दैट. तो आपको एक चूज़ करना है एंड देन आपको उसका रीज़न भी देना है बहुत जल्दी. राइट, तो अगर आप बोलें तो शैल ऐसा. यस, सो जस्ट टू बिगिन, सबसे पहला बहुत ही कॉमन है, ट्रेंड में है,
आप फेसबुक के साथ जाएंगे इंस्टाग्राम के साथ? इंस्टाग्राम, बिकॉज यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे है, एल्गोरिदम बहुत फास्ट है और हमें रीच अच्छी मिलती है। ओके, एक्सलेंट। साइंस या शम? साइंस, बिकॉज साइंस हमें प्रैक्टिकल नॉलेज देती है और हमें बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फील कराती है। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट हमें बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है और ज़्यादा हिंदुस्तानियों का ज़्यादा फेमस क्रिकेट ही रहा है। वाइब्स, वाइब्स, क्रिकेट वाइब्स है हमारे देश में। बट फुटबॉल भी बहुत अच्छा, फुटबॉल अच्छा है, बट बेसिकली मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है। अगर सपोज हम किसी दोष की बात करते हैं, मैंने जैसे सुना है एक होता है गुरु चांडाल, गुरु चांडाल दोष, और एक होता है मंगल दोष, मंगल दोष, एक लेना है, कौन सा लेना है? मंगल दोष। थोड़ा कम इफेक्ट होता है इसका मतलब? नहीं नहीं, मंगल दोष क्योंकि उसको समझाने के लिए मुझे मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम पाया जाता है। अच्छा, मतलब ज्यादा जो बहुत मतलब हॉरिबल होता है वो कौन सा होता है? हॉरिबल कुछ नहीं होता मैम, ये कहूँगा, लेकिन अच्छा। लोगों में मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है मंगल दोष को लेकर के, तो उन भ्रांतियों को दूर करना मेरा वर्क है, इसलिए मैं मंगल दोष को चूज करूँगा। सपोज आप पहली बार, सॉरी टू कट यू, बट मंगल दोष दोष और योग दोनों है, योग भी है मतलब पॉजिटिव भी है। हम इसके बारे में बात करेंगे। सपोज आप मानिए कि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है बिल्कुल, ओके, बिल्कुल आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ठीक है, तो आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते या एस्ट्रोनॉमर? एस्ट्रोलॉजर ही। क्यों? क्योंकि मुझे काउंसलिंग करना, लोगों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को फील करके सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है और ये मेरी हॉबी है, मेरा वर्क है, इसलिए। तो आप एम्पैथेटिक बहुत है। Yes. आप दूसरों की प्रॉब्लम को बहुत रिलेट करके, रिलेट करके उनको समझ सकते हैं, एक गुड लिसनर भी हैं। अगर हम बात करें, आपके पीछे कोई पड़ गया, ओके, मे बी कोई चुड़ैल पड़ गई या भूत, ओके, तो आप किसको ऑप्ट करेंगे, भूत या चुड़ैल, घोस्ट और विच? भूत। व्हाई? बस ऐसे ही चूज करना था इसलिए बता दिया, वैसे दोनों में ही मैं इतना वो नहीं, अविश्वास नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता। सो लाइक फाइन, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। या थैंक यू सो मच। व्हाट एंड व्हाई, एक और चीज रहती है एस्ट्रोलॉजी में, अगर हम बात करें कुंडली में, एक राजयोग जो सुना है, यस, तो ये राजयोग सबके लिए एप्लीकेबल होता है, सबके लिए होता है? देखिए, कुंडली में बहुत सारी तरह के राजयोग होते हैं और राजयोग के साथ साथ कुछ दुर्योग भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा गुरु चांडाल दोष, ये दोष। राजयोग जब आपको फायदा करेगा, जब आपका लग्न मजबूत है, कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे, जैसे गजकेसरी राजयोग है, गुरु चंद्र यदि केंद्र स्थान में हो, एक दूसरे से संबंध बना रहे हों, तो ये गजकेसरी राजयोग होता है। अब राजयोग को समझाने का, समझने का पहले समझ समझ का फर्क है। राजयोग क्या होता है कि व्यक्ति यदि स्टेबल है, हमारे शास्त्रों में तो यही बताया गया, जिसकी पत्नी कहना मानती है, पति पत्नी का व्यवहार अच्छा है, बच्चे उसका कहना मानते हैं, खुशहाल हैं, तो यही एक राजयोग, पत्नी अच्छी है, घर माता पिता खुश हैं, खुद स्टेबल है तो। लेकिन लोग सोचते हैं कि राजयोग का मतलब बहुत बड़ा नेता बन जाए, बहुत फिल्म स्टार बन जाए, ऐसा नहीं होता है। बेसिक नीड्स भी लोगों मतलब बेसिक नीड्स भी पूरी होना जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप इन चीज़ों से बेसिक से ही नहीं उठ पा रहे हैं, तो आगे जाके तरक्की किस तरह से करेंगे? अब राजयोग मान लीजिए आपकी कुंडली में है, वो काम कितना कर रहा है, कितने प्रतिशत, तो उसके लिए आपका लग्न मजबूत होना जरूरी है। लग्न इज लाइक ए प्राइम मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर मजबूत होंगे तो जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो भी पॉपअप होके दिखाई देंगे। उनका हमारे घर से अगर हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे फादर बहुत वेल नोन पर्सनालिटी हैं, तो बच्चों का वैसे ही नाम हो जाता है, वो थोड़े बहुत भी टैलेंटेड हो तो हाँ उनके बच्चे हैं और इतना ज़्यादा उनका पॉपअप होकर दिखाई देते हैं सोसाइटी में। वैसे ही लग्न जो है व्यक्ति का, फर्स्ट हाउस जो होता है, वो अगर मजबूत है, उसका डिग्री वाइज बल अच्छा है और फिर राजयोग है उसको, तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। वरना राजयोग तो ऐसे ऐसे भी हैं जो कोई व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में है या बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो उसकी कुंडली में भी राजयोग मिल सकते हैं, लेकिन उनको एनालिसिस करना ही हमारा वर्क होता है कि वो वास्तविकता में फलित है या नहीं है। सबके लिए ही होता है, सबके लिए होता है, कैटेगरी के लिए होता है, ना 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 ना, नथिंग। न्यूमरोलॉजी पे अगर हम चलते हैं, न्यूमरोलॉजी पे होता है ना कि ये आपका लकी नंबर है, 7 आपका नंबर है या आपका 1 लकी नंबर है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, जब हम साइकोलॉजिकली बात करें तो कोई पर्सन आपको कह देता है, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड में वॉच पहनी है, किसी ने कह दिया राइट हैंड में पहन ले, आपके दिन अच्छे हो जाएंगे, आपको पॉजिटिव फील होगा। अगर मैंने उस पर्सन पर ट्रस्ट करा तो साइकोलॉजिकली मुझे ये रेमेडी भी वर्क कर सकती है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट लॉजिक साइकोलॉजी में निकलेगा।
तो इस तरह जैसे मैंने पहले कहा था कि कोई चीज़ गलत नहीं होती। अब मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा जाता हूँ, जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वो न्यूमरोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो जैसे अंकों से मतलब ग्रहों को भी बताते हैं, पर्सन का व्यक्तित्व बताते हैं, उस पर फोकस करने के लिए कहते हैं। बट ये सारे ब्रांचेज वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकली हैं। टैरोट कार्ड हैं वो, उसको विदेशों में जाकर जैसे सूर्य राशि से आपने बताया था कि सूर्य राशि होती है, तो सूर्य राशि को वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर उसको जिस तरह से थोड़ा चेंज करके बताया गया है, न्यूमरोलॉजी को बताया गया है और टैरो कार्ड है, तो ये सब चीज़ें एक साइकोलॉजिकली ज़्यादा वर्क करती हैं। बाकी लॉजिक अगर आप ढूंढेंगे तो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही ज़्यादा मिलेंगे, और हम लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि जितनी भी लैंग्वेजेज है, जैसे संस्कृत मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज है, वैसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंस में सबकी मदर है, यहीं से सब कुछ निकला है। तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा लॉजिकल है वो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है। लॉजिकल सभी हैं, हर पर्सन अपना कहेगा, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ये चीजें निकली हैं। ये मतलब ब्रांचेस ही ब्रांचेस हैं, ये इनके ब्रांचेस हैं। साइंस में बोलते हैं जूलॉजी भी है, बॉटनी भी है, फिजिक्स भी है, राइट राइट, तो सेम वे इट इज हियर। बिल्कुल। अब एक होता है एक अपना मंगल दोष की हम बात करते हैं। बिल्कुल। मंगल दोष बहुत देखिए, फर्स्ट थिंग तो दोष नहीं है, मंगल दोष एवं योग ये दोनों लिखा गया है, योग भी है। यदि कोई पर्सन मेष लग्न का है, मेष लग्न में मंगल उसका लॉर्ड होता है मेष का, और लग्न में फर्स्ट हाउस में ही मंगल बैठा है, तो मांगलिक होगा वह व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में। तो मांगलिक कौन होता है? फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन, एट और ट्वेल्थ हाउस में यदि मंगल हो व्यक्ति के लग्न कुंडली में तो वो मांगलिक होता है। चंद्र कुंडली में भी हो तो पूर्ण मांगलिक, और दोनों में से एक में हो तो आंशिक मांगलिक, इसकी एक परिभाषा। अब मांगलिक जो व्यक्ति रहेगा उसका संबंध लग्न से, फर्स्ट हाउस से यानी उसके व्यक्तित्व से, और सेवंथ हाउस जो उसकी वाइफ का होता है उससे संबंध रहता है, इसीलिए उसको मांगलिक कहा है। जब व्यक्ति मांगलिक होगा तो उसमें एनर्जी लेवल हाई रहेगा। ऋषियों ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति की मांगलिक से शादी होती है तो दोनों में एनर्जी लेवल समान रहेगा, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, एक दूसरे को ले सही रहेंगे, इसलिए कहा गया कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करने पर इस दोष का काट हो जाता है। दोष कभी खत्म नहीं होता, यदि दोष है वो जो पोजीशन है वो तो लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। अब कई लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि 28 वर्ष की आयु के बाद मंगल दोष समाप्त हो जाता है, तो दोष कभी समाप्त नहीं होता। 28 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति इतना ज़्यादा सेंसिबल होता है, इतना समझदार होता है, क्योंकि शादी क्या है, शादी एक कॉम्प्रोमाइज़ है, सेक्रीफाइस है, और समझने का, जीवन को नए तरीके से समझने का एक नया आपका स्टार्ट है। अब जो 28 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है वो कॉम्प्रोमाइज़ को, सेक्रीफाइस को तैयार रहेगा अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए। और 24-25 साल की एज में क्या होता है, जो मांगलिक होते हैं ना वो बहुत रिजिड हो जाते हैं कि मैं क्यों बदलाव लाऊं। लड़कियां हैं वो भी कई कहती हैं कि मैं क्यों चेंज करूं अपने हस्बैंड के लिए, हस्बैंड कहेंगे। तो दोनों को ही देखिए चेंज होना पड़ता है जब अच्छी लाइफ आपको चलानी है। तो 28 वर्ष के बाद इसलिए कहा जाता है कि मंगल दोष का उतना प्रभाव नहीं रह जाता, क्योंकि समझदारी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मांगलिक लोगों की वैसे शादी भी 27-28 में लोग करते हैं, थोड़ा विलंबित होकर, लेट होकर, तो इस तरह से रहता है। बाकी ये कोई दोष नहीं है, इसको बस अच्छे से एनालिसिस किया जाए। और योग भी हो सकता है, अगर लग्न में जैसे मैंने बताया कि मेष लग्न है, लग्न में मंगल बैठा है, तो वो रोचक महापुरुष योग बनेगा। व्यक्ति स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, बहुत एनर्जेटिक होगा, कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो दोष और योग दोनों होता है। और जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, यस, उनका क्या रहता है, उनकी कुंडली में क्या चीज़ें रहती हैं कि आप बता दें तो कि हाँ ये बहुत क्रिएटिव है, उसको क्रिएटिव फील्ड में जाना। देखिए, क्रिएटिविटी और सोशल मीडिया, मैं दोनों को लेना चाहूँगा। बुध और शुक्र, शुक्र को लक्ष्मी जी की और बुध को श्री हरि विष्णु की संज्ञा शास्त्रों में दी गई है। बुध शुक्र यदि कुंडली में साथ बैठे तो इसको कहा गया लक्ष्मी नारायण राजयोग। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध और शुक्र साथ बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग है, या दोनों की पोजीशन अच्छी है, तो वह व्यक्ति या तो सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन चीज़ों में अच्छा प्ले करेगा। वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, क्योंकि शुक्र रचनात्मकता देता है, क्रिएटिविटी देता है, और मंगल बुध आपको मैनेजमेंट देता है। तो इन दोनों का मैनेजमेंट प्लस टेक्नोलॉजी, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करते हैं, आपका कम्युनिकेशन, बुध क्या है, कम्युनिकेशन एंड कैलकुलेशन। तो यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया में है तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आज जो हम कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें दो ही चीज़ें काम आती, शुक्र और बुध की। शुक्र होता है दिखाना, शो करना, शोकेस। आप किसी शोरूम में जाते हैं तो वहाँ शुक्र का महत्व है, और बुध का महत्व है आपका कम्युनिकेशन में, आप किस तरह से लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर कुंडली में अच्छी हैं,
व्यक्ति की, तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, इसलिए वो, और क्रिएटिविटी अच्छी होगी। तो ये दोनों प्लैनेट्स इसमें बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। अगर अल्टीमेटली हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स, यस, ये हमारी पर्सनालिटी के एस्पेक्ट हैं। बिल्कुल, इजंट इट, हम ये क्रक्स में हम यही चीज बोल सकते हैं। यस, और लाइक वी हैव कम ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, तो कोई मैसेज अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। देखिए, मैं सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी लेते हैं तो फर्स्ट तो एस्ट्रोलॉजर को सर्च करिए, उसके फीडबैक्स देखिए, उसके रिव्यूज़ देखिए कि किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं, क्या उनका प्लेटफॉर्म है। आप उनको पॉजिटिव वे में, आप उनके अपने किसी फैमिली पर्सन के साथ या अपने किसी घर वाले के साथ जाइए, क्योंकि आजकल जैसा कि मैम ने शुरू में कहा था, डर का बाजार, तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो डरा कर इस तरह से आपको गाइड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पैसे लूट पाएँ, वो आपको चीट कर पाएँ। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कुछ गर्ल्स के साथ इस तरह की स्थितियाँ भी आती हैं कि वो अपने लव अफेयर्स को लेके एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करती हैं, और कुछ लोग तांत्रिक बाबा टाइप के लोग उन्हें कहते हैं कि आप आपके न्यूड सेंड करिए और हम उस पर कुछ वर्क करेंगे, कुछ पूजा करेंगे, जिससे कि आपका आपके रिलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे। और सही कहें तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों में ना फंसिए, आप पूरी छानबीन करके कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर कौन है जाइए और किसी को लेकर जाइए, और आप अपना खुद का स्व विवेक भी यूज़ करिए कि वो किस तरह की सलाह दे रहे हैं आपको, या बहुत ज़्यादा पैसों से चीट तो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केवल कमर्शियल रेमेडीज़ ही तो नहीं बता रहे हैं। क्योंकि सारी रेमेडीज़ मैंने जिस तरह से आपको बताया पूरे पॉडकास्ट में, कि 10 रुपये से भी कम के खर्चे में आपकी हर रेमेडी हो सकती है, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाला ही सारी रेमेडीज़ कर सकता है, तो आप निश्चिंत होकर जाइए, लेकिन सही पर्सन को चूज़ करना ये आपका काम है, जो आप मार्केट में एनालिसिस करके, रिव्यूज देख के, या आजकल तो ऑनलाइन माध्यम है, उनसे आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग इन आवर शो, इट वाज रियली वेरी वेरी इंसाइटफुल, और हमारी टीम की तरफ से हम आपको इनका आशीर्वाद देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुडेज एपिसोड, रीजन बीइंग हमारी लाइफ में बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस होते हैं। आई मस्ट से पहली चीज जो मैंने आज सीखी, Astrology revolves around science. This is true. आज मैंने ये चीज़ सीखी। दूसरी चीज़ जो मैंने आज दोबारा सीखी लाइफ में, वो यही है कि दुनिया स्मार्ट बन रही है, मोबाइल फ़ोन्स, वॉशिंग मशीन्स, हमारा घर, हमारा फ्रिज, एसी, हर चीज़ स्मार्ट हो रहा है, तो हम क्यों नहीं हो रहे। द बेसिक थिंग इज़ दैट सेल्फ अवेयरनेस इज़ द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आप खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, आप खुद से प्यार कीजिए, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, एंड दैट इज द बिगेस्ट सीक्रेट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ। सो विद दिस आई साइन ऑफ, दिस इज सुप्रिया इन आवर लेटेस्ट एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद सुप्रिया। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। We'll be right back.